साउंड ऑफ फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट उस हवाले से जो कि इंसिडेंट पेश आता है लाहौर कॉलेज में, तो PGC कॉलेज में, तो ये इंसिडेंट जो पेश आता है ये आगे ना हो और उस बच्ची को जस्टिस मिल सके, तो ये प्रोटेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं और सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उस हवाले से, ताकि नेक्स्ट किसी बच्ची के साथ ये इंसिडेंट ना हो कहीं भी, स्पेशली कॉलेज में, स्कूल्स में और स्पेशली यूनिवर्सिटीज में, और कहीं भी हमारी बच्चियां काम करती हैं जिनके साथ हरासमेंट की जाती है, तो उसको रोकना है। वालेकुम जी, मैं शुजा तारड, चेयरमैन पंजाब कौंसल, पंजाब यूनिवर्सिटी जेलम। जिमें कि तुम सारे जानते हो, अभी तो कोई दिन पहले PGC एक वाकया पेश आया गुलबर्ग कैंपस 10 ओदा कोई नोटिस नहीं लिया गया और उत्तों उस गल नूं दबाण की कोशिश की गई है। अभी तो पहले पाकिस्तान इस तरह के बहुत ज़्यादा वाकए हुए हैं जिन्हों का कोई नोटिस नहीं, ना उन्होंने हिट किया गया और ना ही उन्होंने बारे कोई जाँच पड़ताल की गई है। जिमें अभी तो पहला पिंड दादर खान से 8 साल की बच्ची नाल वाकया पेश आया है, उस तो बाद मोटरवे से एक वाकया पेश आया, जैनब केस होया है, कोई किसी ने ये उत्ते लीगल एक्शन नहीं लिया और गवर्नमेंट ने हमेशा इस गल नूं दबाने की कोशिश की है, ना कि ये उत्ते वर्क करके वो जिहड़े दरिंदे ने उन्हां नूं फड़ के सजा देण दी। और साडी हकूमत पाकिस्तान अगे अपील है, हकूमत पंजाब अगे अपील है कि इस वाके का नोटिस लिया जाए और उस बंदे नूं सख्त सज़ा दी जाए। इस वाके विच ना कोई गार्ड है, ना कोई ड्राइवर है, ये कोई अमीर अथॉरिटी है जिन्हें यह वाकया रूनुमा किया है और उन्हें छुपाने वास्ते वो बारे कोई एक्शन नहीं लिया गया हमेशा, और कॉलेज ने अपनियां वीडियोज़ डिलीट कर दित्तियां ने और उल्टा उस बच्ची उत्ते इल्ज़ाम लाया कि ऐसा कोई वाकया नहीं, ये गलत गल कर रही है जी। बहुत शुक्रिया। इस तरह के चेयरमैन साहब ने गल की है कि भाई इस उत्ते बड़े कमीशन बने ने, वो सारे कमीशन कोई उन्हों का फायदा नहीं होया, तो असं इस वाकये की पुरजोर नमक करते हैं कि असं सबक देना चाहते हैं मुआशरा किस सतह से तुर गया, किस चीज़ वाल तुर गया, पर गंदा काम पंजाब के भी उठ रहा है, यह नहीं होना चाहिए। पंजाबी एक बहुत अच्छी कौम है, पंजाबियों अपना अच्छा कल्चर देना चाहिए, अपने दूसरे जोड़े कल्चर आते हैं, सिंध तो आते हैं, पंजाब पख्तून तो आते हैं, उन्होंने दसना चाहिए पंजाबी एक पूरा अमन कौम है, पर इतने रैपिस्ट पता नहीं कि केस उठ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, यह मुआशरा बड़ी गलत चीज़ उत्ते चल रहा है, तो असं मुरम्मत करते हैं पुरजोर, तो हुकूमत वक्त अपील करते हैं उत्ते बहुत फील वक्त एक्शन लिता जाए, लवाकी मदद दी जाए। इस तो पहला भी कि असं देखा कि तलबा तंजीमों नूं बड़ा इतने नज़रअंदाज कर रहे हैं, खास करके पंजाब के इलाके के अंदर, तो असं वेखो निकी जी गल है कि युवा जो डिकटेटर से उन्होंने जान अंदर जो हीरला किलो ठोकिया उस स्टूडेंट ने ठोकिया, तो असं लतापुर अमन तरीके इहतजाज कर रहे हैं, लाहौर के उत्ते भी उन्होंने बड़े इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने बड़ा दंगा फसाद किया है, उल्टा पुलिस ने जाकर उत्थे जो कुछ किया उसके भी जरा ना नाल नाल एक्शन किया गया, सिर्फ ए नहीं कि जो कुछ हो गया बल्कि स्टूडेंटा के नाल जो उन्होंने रिएक्ट किया खुदारा ये उत्ते अखा खोलो, तो कमीशन जो झूठी मूठी रिपोर्ट पेश करते हो कोई इंजी रिपोर्ट पेश करो कि इतने सारे मिले। पाकिस्तानी मुआशरे में हम रहते हैं और पाकिस्तान में जो हमारा पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था वो इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना था, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान वो है, मुसलमान की तारीफ ही वो है कि जिसके कोलो फेल से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन आज के इस दौर में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इदारों के अंदर भी उनकी इज्जत महफूज नहीं है, क्यों, वजह क्या है? ये जो आज रिसेंटली एक इंसिडेंट हो रहा है पंजाब कॉलेज में, ठीक है, इसको दबाया जा रहा है, इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है कि इस तरह का कोई वाकया रूनमा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मेरा सवाल ये है कि अगर वाकया रूनमा नहीं हुआ तो कॉलेज की प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को ये धमकियाँ क्यों दे रही है कि मैं आप लोगों को फेल कर दूंगी अगर आप सोशल मीडिया पर इसका हंगामा करते हैं, अगर आप लोग इस पर एहतजाज करते हैं तो मैं आपके दाखिले रोक दूंगी, तो ये धमकियाँ किस लिए हैं? फिर जो कॉलेज के कैमरा लगे हुए हैं वो कैमरा उस वक्त पर बंद कर दिए जाते हैं, क्यों, वजह क्या है? अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि मुजरिम को पकड़कर सजा देनी चाहिए और उसका इबरतनाक अंजाम बनाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये चीज़ रुक जाए। हर आए रोज हम देख रहे हैं कभी यहाँ पर वाकया हो रहा है, कभी यहाँ पर वाकया हो रहा है, हर जगह औरतों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, हम मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों में ये चीज़ क्यों हो रही है? इस चीज़ को रोकने के लिए हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स हैं, तो पुरअमन एहतजाज इंशाल्लाह होगा। We want justice.
लेकिन प्रोटेस्ट करना कोई एक मुतफिक और अच्छा अमल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेस्ट तब हम करते हैं जब कोई किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, फिर हम निकलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, वॉक करते हैं और ख़त्म। इस वक्त मेरे हाथ में ये एप्लीकेशन है, इसके मुताबिक हमने डायरेक्टर से ये डिमांड की है कि इससे पहले ये इंसिडेंट इस PUJC में हो, हम एक एक इनसे एक कमेटी मुतालबा कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसमें बेशक ये जितनी मर्जी फैकल्टी मेंबर्स अपने ऐड करें कमेटी के, लेकिन उसमें मिनिमम एक फीमेल स्टूडेंट और एक मेल स्टूडेंट लाजमी वहाँ पर हमारी तरफ से होना चाहिए। उसकी तरफ से मैंने ये एक एप्लीकेशन लिख दी गई है, हमारी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर साइन भी कर दिए हैं। अब आप में से जो बंदा इसमें आना चाहता है अपने लिए, एक दूसरे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त साथ दें और इस वक्त यहाँ पर साइन करें प्लीज़, मेहरबानी, थैंक यू। कि PUJC में ये इंसिडेंट होने से पहले कोई ऐसा अमल तश्कील देना चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए जो इस पर वर्क करे या जो इस काम को आगे लेकर चले। आप हमारी बहनें हैं, आपके साथ कोई बंदा किसी किस्म की बात करे, आपको हरासमेंट करने की कोशिश करे या बाहर रोड पे आपको तंग करने की कोशिश करे, यूनिवर्सिटी में कोई आपके साथ ऐसा मामला हो, कोई टीचर आपको तंग करे, कोई गार्ड तंग करे, कोई ड्राइवर तंग करे, कोई कैफे से तंग करे, कोई भी लड़का आपको तंग करे, आप हमें बता सकती हैं। हम इधर आपके लिए बैठे हैं, जब तक हम इस यूनिवर्सिटी में हैं कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। हमारे बाद आने वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करेंगे और इसी तरह आपको बहने समझकर आगे काम करेंगे। कोई हमारी एलिगेशन नहीं है, आप बिला झिझक हमसे किसी तरह की भी बात कर सकती हैं। हम नहीं चाहते कि इस PUJC में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो या कोई वाकया पेश आए जिससे आपको मसला बने। अगर इधर हमारे होते भी ये वाकया पेश आए तो फिर हमारा इधर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप बिला झिझक हमसे बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू। बहुत शुक्रिया। नहीं होंगी या ब्रदर्स ऐसे होंगे जो PGCE से परे होंगे, सो जो चीज़ गलत है वो गलत है, गलत है। वही बात, वही बात, वही बात, बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट।